स्टार्ट करते हैं चैप्टर 38 एंड द चैप्टर 38 इज नेशनल फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के नेशनल फ्रूट्स के बारे में चलिए जानते हैं। डू यू एंजॉय मैंगो? आपको आम पसंद है? ओके, आई थिंक ज़्यादातर सभी को आम पसंद होता है। द किंग ऑफ इंडियन फ्रूट्स, इंडियन फ्रूट्स का राजा होता है आम। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन किंग ऑफ फ्रूट्स, हर कंट्री के अपना अपना किंग ऑफ फ्रूट्स होते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, चलिए। दो मोस्ट कंट्रीज हैव नेशनल फौना एंड फ्लावर्स, ओनली सम ऑफ देम हैव नेशनल फ्रूट्स, कुछ ही के पास नेशनल फ्रूट्स हैं। रीड बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द फ्रूट इन द ब्लैंक्स एज यू गो अलॉन्ग। तो यहाँ पर हमें इनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और इन फ्रूट्स के नाम बताने हैं। तो मैक्सिको के नेशनल फ्रूट की हम बात करते हैं। दिस फ्रूट इज़ नॉट जस्ट लव्ड इन द कंट्री, इस फ्रूट को सिर्फ इस कंट्री में प्यार पसंद ही नहीं किया जाता, लेकिन इसे सैलड और सैंडविचेस में पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। अब तो इसे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। एंड दिस फ्रूट इज़ कॉल्ड एवोकाडो। क्या नाम है इसका? एवोकाडो। नाउ वी टॉक अबाउट जमैका। सो इट इज़ रिलेटेड टू लीची, ये लीची से रिलेटेड है। एंड इफ़ ईटन बिफोर इट इज़ राइप, सो पकने से पहले अगर हम इसे खा लें, सो कैन मेक यू वेरी सिक, तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और इस फ्रूट का नाम है एकी। ओके, एकी। नाउ वी टॉक अबाउट ब्राज़ील्स नेशनल फ्रूट। ब्राज़ील्स नेशनल फ्रूट इज, इट कैन बी ईटन रॉ, ये कच्चा भी खाया जा सकता है, और कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर बटर, और इसे बटर के ऑल्टरनेटिव मतलब बटर की जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस फ्रूट का नाम है कुपुआकू। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे इंग्लैंड के नेशनल फ्रूट की। मिलियन सॉ दिस फ्रूट फॉल, बट न्यूटन वॉज द वन हु आस्क्ड व्हाई। करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने इसे गिरते हुए देखा, लेकिन न्यूटन ने ही इस पर सवाल किया व्हाई। न्यूटन के सिर पे जब एप्पल गिरा था, तभी उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। ओके, सो दिस फ्रूट इज एप्पल, ये तो आप सब जानते ही होंगे। नाउ नंबर 5 पे आर्मेनिया का नेशनल फ्रूट। इट इज़ नॉट जस्ट द फ्लैश दैट इज स्वीट, इसका सिर्फ जो फ्लैश है, जो गूदा है, वो ही मीठा नहीं होता, बट द सीड्स आर ऑफन यूज टू रिप्लेस आलमंड्स इन डिशेस अराउंड द वर्ल्ड। बल्कि इसके जो बीज हैं, वो भी पूरी दुनिया में आलमंड्स, बादामों की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। और इस फ्रूट का नाम है एप्रिकॉट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इंडोनेशिया के नेशनल फ्रूट की हम बात करते हैं। ओके बच्चों, ये है इंडोनेशिया का नेशनल फ्रूट। इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स लार्ज साइज एंड स्पाइकी हार्ड आउटर शेल। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है और ये जाना जाता है अपने बड़े साइज के लिए, और जो इसके कांटे कांटे से निकले दिख रहे होंगे आपको, स्पाइकी शेल, और हार्ड होती है इसकी ऊपर की शेल मतलब परत। तो इस फ्रूट का नाम है डूरियन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 पे वी हैव चाइनाज नेशनल फ्रूट। इट इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज अ बेरी एंड इज ऑल्सो नोन एज द चाइनीज गूसबेरी, इसे चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं, और ये एक्चुअली में एक बेरी की कैटेगरी में आती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, राइट, ब्लूबेरी, सो क्रैनबेरी, इसी तरह ये भी एक बेरी की कैटेगरी में आती है, और इसे चाइनीज गूसबेरी भी कहा जाता है। तो ये है कीवी। ओके, आप में से किसने खाई है कीवी? खा के देखिएगा, इट्स अ वेरी टेस्टी फ्रूट। तो चलिए नंबर 8 पे हम बात करते हैं बांग्लादेश की।
सो इसे तो सब जानते होंगे, ये है जैक फ्रूट, मतलब कटहल. तो एन अनयूजुअल फ्रूट एज इट ग्रोज ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, ये बढ़ता है ट्रीज की ट्रंक पर इंस्टेड ऑफ हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. ऐसा नहीं है कि ये ब्रांचेस पे लटकता है, ये ट्री के ट्रंक पर, तने पर ये ग्रो होता है, राइट. आगे चलते हैं, जापान के फ्रूट की बात करते हैं. दीज आर मोस्ट रेलिश्ड, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट है. आउट ऑफ हैंड पील्ड एंड पिटेड, दे आर कॉमनली एडेड इन फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड में यूज होता है. और ये हाथ से ही छील कर खाया जाता है, बहुत फ्रेश फ्रूट है ये. और इस फ्रूट का नाम है काकी. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और फ्रूट्स के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट वी हैव ईरान्स नेशनल फ्रूट. द एंशियंट इजिप्शियंस आर सेड टू हैव सीन दिस फ्रूट एज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड एम्बिशन. पुराने इजिप्शियन ने इस फ्रूट को देखकर समृद्धि और महत्वाकांक्षा का सिंबल इसे बताया था, और ये है पॉमीग्रेनेट, जिसे हम कहते हैं अनार. ओके, चले आगे चलते हैं. कंबोडिया का नेशनल फ्रूट, इट इज कॉल्ड चेक पोंग मोआन लोकली, इसे कहा जाता है चेक पोंग मोआन, विच लूजली ट्रांसलेट्स एज चिकन एग बनाना. ये बहुत छोटे छोटे बनानाज होते हैं, इन्हें कहा जाता है लेडी फिंगर बनानास. नंबर 12 पर हमारे पास है थाईलैंड का नेशनल फ्रूट. दिस फ्रूट इज बिलीव्ड टू हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. इस फ्रूट में ये माना जाता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी बॉडी से इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है. किसी भी तरह की जो इन्फ्लामेशन होती है हमारी बॉडी में, उसे ख़त्म करने के गुण इसमें कहा जाता है कि हैं. एंड ऑल्सो यूज इन फोक मेडिसिन, इसका लोकल मेडिसिन में भी यूज होता है थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में. और इसका नाम है मैंगोस्टीन. चलिए अब हम बात करते हैं मलेशिया के नेशनल फ्रूट की. इट वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन मैक्सिको, ये सबसे पहले मैक्सिको में कल्टिवेट किया गया. द फ्रूट इज पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, इस फ्रूट में बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं. एंड द सीड्स इनसाइड द फ्रूट हैव अ शार्प स्पाइसी टेस्ट, और जो ये आप सीड्स देख रहे हैं ना इसके अंदर, इनका जो टेस्ट है वो बहुत स्पाइसी और शार्प है. और ये फ्रूट है पपाया. किन किन बच्चों को अच्छा लगता है पपाया, खाते हैं ना आप बच्चों, खाया करिए, ये बहुत अच्छा फ्रूट है. ओके, आप सबकी हाइट भी बढ़ जाएगी पपाया खाने से. तो अब आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नेशनल फ्रूट्स के बारे में पता है, आपको ये लर्न भी करना है. ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.